सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस एक ऐसा मौत का मामला जिससे देश के ज्यादातर लोगों की भावनाएं जुड़ चुकी हैं। लोग सड़कों पर आकर सुसाइड केस को पुलिस की जांच के पन्नों में ना देखकर सीबीआई के हाथों इस केस को उसके अंजाम तक देखना चाहते हैं। लेकिन ये सब कुछ इतना भी आसान नहीं है, पर मुश्किल बिहार सरकार के लिए बिल्कुल भी नहीं है। फिर भी क्यों सुशांत सिंह सुसाइड केस में सीबीआई जांच की मांग को माना नहीं जा रहा? क्या आप लोगों को पुलिस की जांच पर भरोसा नहीं रह गया? सुशांत के नाम की दीवानगी उनके फैंस में उनकी एक्टिंग के वजह से तो थी ही, लेकिन सुशांत की मौत के बाद अब उनके चाहने वालों का गुस्सा सातवें आसमान पर है। पटना की सड़कों से लेकर मुंबई की गलियों तक सुशांत की मौत का रहस्य हर कोई जानना चाहता है। मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ आक्रोश कुछ यूं दिखाई दिया। इस गुस्से के पीछे की मांग भी जान लीजिए। इन लोगों को भी शक है कि सुशांत यूं ही शांत होकर इस दुनिया को अलविदा नहीं कह सकते। सुशांत सिंह राजपूत ने यूं ही जान नहीं दी है, बल्कि उनकी जान ली गई है। कुछ इसी तरह का शक जाहिर करते हुए ये लोग अब सीबीआई जांच की डिमांड करते हुए अपनी नाराजगी का शिकार महाराष्ट्र सरकार और मुंबई पुलिस को बना रहे हैं। हमारा मांग है कि हमारे पुलिसकर्मी जो बिहार से हमारे रिप्रेजेंटेटिव गए हैं, उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार करें, उनका सहयोग करें और हमारी मांग सीबीआई मांग को पूरी करें। अब ये तो भावुक होते लोगों की भावनाएं हैं, लेकिन सवाल तो हर कोई पूछ रहा है कि 45 दिन से ज्यादा का वक्त निकल चुका है। मुंबई पुलिस ऐसी कौन सी इंक्वायरी कर रही है जिसमें अभी तक कोई बड़ा सुराग उनके हाथ नहीं लगा? इतने लोगों से पूछताछ करने के बाद भी किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने या उसे आरोपी बनाने की कोई जांच पे कदम बढ़ाया क्यों नहीं गया? अभी तक मुंबई पुलिस की जांच की तस्वीर धुंधली ही नजर आती है। वजह यही थी कि मुंबई पुलिस की जांच को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बिहार पुलिस भी अपनी एफआईआर के आधार पर ऑटो की सवारी करते हुए बुलेट रफ्तार से इन्वेस्टिगेशन में लग चुकी थी। लेकिन बात वही पर अटकी है, मांग वही की जा रही है कि सीबीआई को जांच क्यों ना सौंपी जाए। अब ऐसे में यही सवाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार पुलिस के मुखिया से पूछा गया तो दोनों का एक ही स्वर में कहना था कि सुशांत का परिवार चाहेगा तो सीबीआई जांच की सिफारिश करने में देर नहीं लगने वाली। लेकिन साथ ही बिहार पुलिस के डीजीपी का ये भी कहना था कि मौका तो मिले, हम सच को सबके सामने रख देंगे। अगर उनके पिताजी को भरोसा ना हो बिहार पुलिस पर कि बिहार पुलिस हमको इंसाफ नहीं दे सकती, वो मांग करेंगे सीबीआई से, वो बिहार सरकार से बोलेंगे सीबीआई को दे दो, तो बिहार सरकार निर्णय लेगी। हम तो कहते हैं हमें मौका दो इस रहस्य पर्दा उठाने का, हम तो कहते हैं हमें मौका दो सत्य तक पहुंचने का, सच्चाई जानने के लिए पूरा देश बेचैन है। बिहार डीजीपी ने ठीक कहा, बेचैनी तो है सच जानने की, तो क्या बिहार पुलिस मुंबई पुलिस की तुलना में निष्पक्ष तरीके से जल्द अपनी मंजिल तक पहुंच सकती है? कहना आसान है, लेकिन मुंबई में ऑटो में सवार होकर चंद पुलिस अधिकारियों के साथ जांच करना मामले में और देरी कर सकता है। इसलिए फिर से बात सीबीआई पर आकर टिक जाती है और फिर बॉलीवुड से भी आवाजें उठने लगती है। अनुभवी एक्टर भी पुलिस और सिस्टम से सवाल पूछते हैं कि जब लोग चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, मामला सीबीआई को सौंपा जाए, तो इसमें हर्ज क्या है? और उसको ध्यान में रखते हुए अगर सीबीआई जांच हो जाती तो हर्ज क्या है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। कोई चांद सितारों की तो मांग नहीं की जा रही, ये लांछन भी नहीं लगाया जा रहा है मुंबई पुलिस पर। शायद मुंबई पुलिस को वो सुराग नहीं मिल पा रहे हैं या वो किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पा रही है। ऐसे में, ऐसे कंफ्यूजन में अगर सीबीआई जांच हो जाए तो उसमें मेरी समझ से बाहर है कि क्यों इतने अड़े हुए हैं लोग, जिद्दी हो गए कि नहीं करने देंगे, नहीं होगा, नहीं होना चाहिए। बात तो सही है कि मामला अगर सीबीआई को सौंप दिया जाए तो इसमें दिक्कत क्या है, लेकिन असल में सब कुछ सुशांत के पिता की मांग पर निर्भर भी करता है। अगर सुशांत के पिता बिहार सरकार से सीबीआई की मांग करते हैं तो शायद मामला सीबीआई की पहुंच तक जाए, लेकिन फिलहाल तो ये कहना होगा कि मुंबई और बिहार पुलिस के बीच ये मामला और उलझता जा रहा है। इस केस में रोज नए मोड़ आ रहे हैं। अब ऐसे में ये मामला पुलिस के हाथों में रहता है या सीबीआई की ओर बढ़ता है, ये तो देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि हर कोई सुशांत की मौत का
रहस्य जानना चाहता है। न्यूज डेस्क, कमल कौशिक की रिपोर्ट, खबरें अभी तक।